हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज एक्सपीरियंस। आज की इस एक्सपीरियंस वीडियो में देखते हैं वैसे तो आगे क्या होने वाला है, बट यस अभी तो मैं और मेरी बहन जा रहे हैं फॉर द शॉपिंग ऑफ गणेश चतुर्थी। कल गणेश पूजा है एंड हम लोग अपने घर में गणेश बिठाते हैं, तो ये पूरा वीडियो उसी सिक्वेंस में रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड। वी आर रेडी और पता नहीं मेरी बहन कितना रेडी होगी छोटे से शॉपिंग के लिए। चलो इतना शर्मा क्यों रही हो? क्योंकि तुमने तो पागल कर दिया। किस चीज से? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यार मेरी बहन कैसे खा रही है अकेले अकेले और मुझे वीडियो बनाने के लिए पकड़वा दी। एक मम्मी के लिए एक हम लोग के लिए, ठीक है। काके ने जूस दी आमा के ने बिना खाली गाइस, इतना तंग करती है मुझे, मैं क्या ही बताऊं। हर एक एक शॉप में बोलती है मतलब वीडियो बना दो। बहन जा रही है मिठाई लाने, अब अपने मन पसंद का मैसूर पाक लाएगी। भली मैं एक चीज़ बता दूं कि उसको भगवान से तो मतलब उतना है नहीं, बट ठीक है, वो अपनी मिठाई अपनी पसंद से ला रही है। भगवान के नाम पर प्रसाद चढ़ाएगी, उसके बाद फिर खुद खा जाएगी, क्या ही बोलूँगा। ओ मैडम, कौन सा मिठाई लाई? अरे यार ये ले गई, वो बेसन के लड्डू इस बार, पता मैं समझ नहीं आ रहा एकदम गजब। चल कोई बात नहीं, चल अब चल। सो वी आर बैक एंड मेरी बहन टीवी म्यूट कर देना कम से कम, थोड़ा सा वो कर दे, चाय बना दे। रुक अभी, वहाँ पे सब्जी चढ़ा हुआ। कोई बात नहीं, तीन तीन बर्नर्स है, चाय बना दे प्लीज। हाँ ना बना दूंगी यार, बना, प्रॉमिस कर वीडियो में सबके सामने। फालतू का नाटक मत कर, प्रॉमिस कर के भी बनाऊंगी नहीं, जा भाग। इतना क्या गुस्सा कर रही है? सो व्हाट, पीछे से पीछे बैठ के गई थी, मैं तो गाड़ी चलाई हूँ इतना। ये हमारा सैनिटाइजर, मम्मी का है किचन में। सो ये हम लोग सामान तो ले आए हैं, थोड़ी सी पनीर है, इसमें फ्लावर्स है, इसमें पैसे भी है, ये है, और बाकी डेकोरेशन का सामान जब डेकोरेट करेंगे तो दिखाएंगे। I'm really sorry कि देखो ऐसे करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है। तेरे बद्दुआ के कारण मेरे हाथ में लग गया। यू आर सच अ बैड गर्ल, यू नो सिम। तो जब तुम जानती हो तो ऐसा की क्यों? यहाँ पे हम सजाने वाले हैं, गणेश जी को रखने वाले हैं, लैपटॉप अभी कुछ दिन के लिए इधर लगेगा हमारा। यस तुम पीछे शिफ्ट हो जाओ। मैं पीछे नहीं शिफ्ट होंगी, ये हम सामान लेके आ गए। मेरी मम्मी का कहना है कि हम लोग बहुत ही बेसिक सजाते हैं, तो तुम वीडियो को मत डालना बिकॉज लोग बहुत सुंदर सुंदर सजाते हैं। यार
कोई बात नहीं, इंसान के मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, सजाने में क्या है। ठीक है, बाकी मैंने कपड़ा बिछा दिया, अभी ये हम हार भी लेके आ गए हैं। वैसे बता दूं, हमारे घर में गणेश जी है, हम उन्हीं को बिठाते हैं हर साल, दो तीन बड़े बड़े गणेश है हमारे पास, बड़े मतलब बहुत बड़े नहीं, इतने बड़े बड़े, तो उन्हीं को बिठाते हैं, फिर उन्हीं को लास्ट डे जो होता है ना, तो टेंथ डे जो होता है उसमें फिर उनका विसर्जन करते हैं हम लोग जस्ट पानी में, वो बाहर से गणेश नहीं लाते हैं। पहले लाते थे, हाँ पहले लाते थे, बट फिर इवेंचुअली लाना बंद कर दिया है। ठीक है, मैं भी आपसे यही बोलूंगी कि आप लोग वो करना, क्या कहते हैं, मिट्टी के गणेश लाना। सो यस, मेरी बहन ना इतनी गंदी लड़की है, वो फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई और बोली कि अब खुद खुद करो सारी चीज़ें, सारी अरेंजमेंट। So, आज है गणेश चतुर्थी और ये हमने सिंपल सा डेकोरेट किया है गणेश जी को, थोड़ा सा डेकोरेशन तो नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ी थोड़ी चीजें अभी भी बाकी है जिसको हम अभी करेंगे कंप्लीट। सो गाइस, ये है हमारे गणपति जी, सब प्रणाम कर लो जी। यस, एंड ये मैंने आपको दिखाई दिया था ऑलरेडी कि ये हमने थोड़ा बहुत मिनिमम सा बेसिक सा सजाया है, बट आई एम रियली लविंग इट। यस, अशुभ बदामी। सो हम लोग रेडी है, चलो पूजा करो। वीडियो हाँ स्टैंड में रख देते हैं, पर इसमें ना गणपति जी नहीं दिख रहे, पर हमें अपना ड्रेस दिखा देती है, इट्स लुकिंग गुड बट आई एम नॉट लुकिंग गुड। और ये मेरी बहन है, वो मुझे देख के मुंह बना रही है, ये देखो। हाँ, तो अभी मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि ना गणपति जी भी आए और हम लोग भी आए। So all of you, thank you very much for watching this video. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।